गुड मॉर्निंग गाइस, आप हम उठ चुके हैं। आज हमारा लास्ट डे है मनाली में। अब हम दिल्ली के लिए रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से, और अब तैयारी हमारी पूरी हो रही है हमारी पूरी टीम की। अंकल राइडर भी तैयार हो चुके हैं और वो हो रहा है अभी। राइडर हमारा एक प्रोफेशनल राइडर तैयार हो रहा है, और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, और आज ही हम दिल्ली रीच करेंगे। और ये रही तैयारी हमारी, सामान पैक वैक हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। गौरखा ये हमारे राइडर भाई, पैतीस की स्पीड पे चलाते हैं। ओनली 35 में। चलो भाई, गाइज अब हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से सुबह के 4 बज रहे हैं, और यहाँ पे अभी हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं हमारे बुलेट यहीं पे लगी हुई है। अब यहाँ से बुलेट निकालने के बाद हम सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचने की कोशिश करेंगे। सामान हम पूरा अपना जो भी है लगेज वगैरह वो सारा हम बाइक पे सही से बांध रहे हैं, क्योंकि राइडिंग करते वक्त दिक्कत ना करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हम बांधते हैं वो खुल जाता है या लूज होता है, जिसकी वजह से बैलेंस जो है बाइक का बिगड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सामान है उसे सही से अच्छे तरीके से हम टाइट बांध दें, जिससे हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। चले काफी देर से ट्राई कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट होने का, हो ही नहीं रही। देख सकते कितनी ठंड है, ये ठंड का ही असर है, और ये हमें और डिले कर रहा है, रोक रहा है हमें कि आप दिल्ली मत जाओ। फ्रेंड्स अब हमारी सारी जो तीनों गाड़ियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और काफ़ी अच्छे हम एक्साइटेड हैं और अब जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मॉल रोड के पास जो पेट्रोल पंप है वहां से पेट्रोल भरवाया, गाड़ी की जो टंकी है पूरी फुल करवाई, और उसके बाद जो है क्योंकि हमारी जो राइड है वो नॉन स्टॉप रहेगी, हम कहीं स्टे नहीं करेंगे, हमें आज ही दिल्ली पहुँचना है। इस सुबह होते होते हमने बिलासपुर को क्रॉस कर चुके थे हम, और बिलासपुर में आप देख सकते हैं 2 लेन ही है, और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम सीधा पहाड़ मतलब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, आगे भी पहाड़ थे। अब हम रूपनगर में आ चुके हैं, और रूपनगर के बाद सीधा चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है गाइस, और चंडीगढ़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है, और चंडीगढ़ पहुँचते ही हम वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और चंडीगढ़ सिटी से होते हुए जाएंगे, थोड़ा चंडीगढ़ को भी एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे थोड़ा सा। गाइस धूप निकलते निकलते अब हम चंडीगढ़ में आ चुके हैं, धूप निकलते ही हम चंडीगढ़ में आ चुके हैं, और अभी करीबन 11:30 हो रहे हैं, और अभी हम चंडीगढ़ में हैं। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की सड़कें हैं,
शानदार सड़कें और काफ़ी अच्छा यहाँ का जो आर्किटेक्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखे चंडीगढ़ को, मतलब डेवलप किया हुआ है। और चंडीगढ़ में जाम मेरे को बेहद कम देखने को मिला, हाँ जाम कम देखने को मिला, लेकिन रेड लाइट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली मेरे को, वहाँ पर रेड लाइट काफ़ी ज़्यादा था। चंडीगढ़ में रोड जो है काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ का, और एकदम पीसफुल एरिया है और ग्रीनरी जोन में है पूरा, मतलब काफ़ी अच्छा पेड़ पौधे वगैरह सब एकदम सही से डेकोरेट कर रखा है चंडीगढ़ को। ये तो मेन रोड का एरिया इतना अच्छा है तो आप सोच सकते हैं जो सेक्टर है वो कितना अच्छा डिज़ाइन होगा। और चंडीगढ़ में दो सबसे अच्छे शहर हैं, एक तो चंडीगढ़ और एक चंडीगढ़ से सटा मोहाली, ठीक है, मोहाली पंजाब का हिस्सा है और चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरीज है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम एक कोई अच्छा सा ढाबा खोज रहे हैं जहाँ पे हम खाना वाना खा सकें, आराम रेस्ट ले सकें। और ये चंडीगढ़ का ये लास्ट एरिया है, ये ख़त्म हो रहा है चंडीगढ़ अब यहाँ से धीरे धीरे, उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले रेस्टोरेंट पे खाना खाने किसी अच्छे से ढाबे में। आखिरकार हमें ढाबा मिल गया और अब हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेंगे और अपना खाना वाना खाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न होंगे दिल्ली के लिए। और दिल्ली यहाँ से ज़्यादा नहीं, 250 किलोमीटर दूर है बस, उसके बाद तो अगर पहुंचने के बाद फिर मजे ही मजे हैं भाई। खाना वाना हो चुका है, अब हम निकल चुके हैं सीधा हाईवे पे, और अब मेरी गोप्रो की जो बैटरी है वो भी डाउन हो चुकी है, तो शायद मैं आगे का वीडियो नहीं शूट कर पाऊँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, मैं अभी दिल्ली से बेहद करीब हूँ, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, 220-230 किलोमीटर दूर होऊंगा दिल्ली से, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद जो हमारा जो पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बताऊं तो काफ़ी अच्छा रहा और बेहद अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी मनाली का जो ये पूरा टूर था पूरे एक हफ्ते का था और मज़ा आ गया इसमें एकदम। और ये रोड देख सकते हैं आप कैसे हैं, कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं हाईवे को, और अच्छा इन्होंने मतलब मेंटेन कर रखा है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, मनाली अगर कभी जाएँ तो अटल टनल ज़रूर जाएँ, मैं यही आपसे बोलूँगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।